लॉकिंग रॉड है, इसके थ्रू हमारा ये इसमें कनेक्ट होता है। अब हम इसको देखो कैसे निकालेंगे। ये निकालने के बाद ये निकाल दिया हमने इसका ये, और इसमें ये जो नीचे है ये हमारा एक वाल है जो कि इस एयर मोटर के थ्रू, इस प्लंजर के थ्रू ऑपरेट होता है। और इस प्लंजर में जब ये ऑपरेट होता है तो ये नीचे जाता है, तो नीचे से एयर जाती है और इस पिस्टन में इस होल से आती है, और होल में आने का पिस्टन को इस पिस्टन में ये नीचे करती है, तो पिस्टन नीचे जाता है, ग्रीस ये सिलेंडर ये नीचे जाता है पिस्टन रॉड, और इस पिस्टन रॉड से ये पिस्टन रॉड कनेक्टर तो ये भी नीचे जाता है। फिर जब वाल दोबारा ऑपरेट होता है तो ये हमारा इस पोजिशन पर आता है, और इस साइड से एयर जो ये जो एयर है ये इसकी एयर इस साइड से होके ये जो एग्जास्ट हैं इनसे हमारी बाहर हो जाती है। यहाँ ये एग्जास्ट खोल है, इस एग्जास्ट होल से बाहर हो जाती है। इस तरह हमारी ये काम करती है असेंबली। और इसमें जब ये हमारी, यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ आप देखो यहाँ पर हमारी जो असेंबली बनी होती है इसमें बेसिकली ऐसे रहता है, ऐसे असेंबली रहती है। और इसमें हमारी बोरिंग है, ये हमारा ये हमारा ग्रीस का पिस्टन है, इसमें हमारा ग्रीस शक होता है, और हमारी कॉपर वॉशर है, और ये हमारा ग्रीस का पंप का आउटर बैरल है। ये जब यहाँ कनेक्ट होता है इसके अंदर ये रोटेट होता है ऐसे, और हमारा ग्रीस सक करके ऊपर ले जाता है। इसके लिए यहाँ पर एक ये हमारा NRB या रिटेनर लगा होता है जो कि ग्रीस को हमारा वापस आने से रुकता है, ऐसे करके ही लगा अंदर से चलता है। और इस तरह से ही अगर ये हमारा लूज टाइट होता है तो इससे हमारा एयर ले लेता है और हमारा पंप फ्री घूमने लगता है, और केवल शकिंग करता है और वो नहीं करता। ये हमारा स्पेसर है जो कि हमारा नीचे लग के ग्रीस को उठाता है। ये अगर नहीं होगा तो फिर इस केस में क्या होगा, ग्रीस नहीं जाएगा केवल मूवमेंट करेगा, ग्रीस नहीं जाएगा। और ये हमारा अगर नट नहीं होगा तो ये निकल के बाहर गिर सकता, तो ये हमारा एंड लॉक नट है, इसको हम टाइट करते हैं। अब ग्रीस इसमें इस तरह से ऑपरेट होता है, और इसी के थ्रू ग्रीस अंदर बाहर जाता है, और हमारा इसमें से ग्रीस होता हुआ जब ये ऑपरेट होता है, ग्रीस इसमें से होता हुआ और इसके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ये ग्रीस इस पिस्टन में जो ऑपरेट होता है, ऑपरेट होने के बाद ये इस पिस्टन से अंदर ऐसे उठाता है, इसके अंदर ऑपरेट होता है, इसमें ये ग्रीस ऐसे ऑपरेट होता है, इस तरह से ग्रीस यूं करके ऑपरेट होता है। और जब ये पिस्टन ऑपरेट होता है तो यहाँ से ग्रीस होता हुआ इस होल से होता हुआ इसके अंदर जाता हुआ, और बैरल के अंदर से जाता हुआ यहाँ पर होकर के, और यहाँ से होकर के यहाँ निकलता है। क्योंकि कनेक्टिंग रॉड जो है हमारी, ये जो कनेक्टिंग रॉड है यहाँ पर हम देखते हैं कनेक्टिंग रॉड, ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर हमारा ये देखो आगे कनेक्टिंग रॉड कन्वी यूनिट से होकर के, कन्वी यूनिट और ये दोनों के बीच में से होकर के ऐसे कनेक्ट रहती है, इस तरह कनेक्ट रहती है। तो ये जब पिस्टन हमारा आगे पीछे ऑपरेट होता है, ये पिस्टन जब हमारा आगे पीछे ऐसे ऑपरेट होता है तो ये कनेक्टिंग रॉड इसके साथ ये भी ऑपरेट होती है आगे पीछे, ये वाली कनेक्टिंग रॉड, ये देखो ये कनेक्टिंग रॉड इसमें है ना, ये कनेक्टिंग रॉड यहाँ से ऐसे ऑपरेट होती है, इसके थ्रू
यहाँ पर लगती है बैरल, ये कन्वीनिट, ये बैरल और ये पिस्टन, इसके अंदर ऐसे करके ऐसे रहती है कनेक्टिंग रॉड, यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड पिस्टन ऐसे होने से ऐसे लगे होती है, ठीक है। तो ये जब पिस्टन ऊपर नीचे होता है जब कनेक्टर आगे पीछे होगी तो क्या होगा, हमारा पिस्टन भी आगे पीछे ऐसे से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे पिस्टन घूमेगा। तो पिस्टन घूमेगा तो क्या होगा, एयर आएगी इधर से, इसको पीछे धकेलेगी, पीछे धकेलेगी, फिर क्या होगा, ऐसे प्लंजर रहेगा, यहाँ प्लंजर ये रहेगा, प्लंजर ऑपरेट होगा, प्लंजर ऑपरेट होगा तो क्या होगा, ये पिस्टन यहाँ पर नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या होगा, इस पोर्शन से एयर आएगी, इसके इस पोर्शन से एयर घुसेगी और यहाँ से घुस के पिस्टन को पीछे करेगी। जब पिस्टन को पीछे करेगी क्या होगा, पिस्टन नीचे जाएगा तो क्या करेगा, इस रॉड को पीछे फेंकेगा, पीछे फेंकने के बाद ये रॉड नीचे जाएगी तो क्या करेगी, ग्रीस को, फिर अब जैसे ये एयर इधर आएगी तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, जब ये वाल्व चेंज होगा तो एयर क्या करेगी, तो रिलीज होगी और ये पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ग्रीस इधर से शक हुआ, शक होने के बाद यहाँ से होता हुआ यूनिट से होता हुआ इसके अंदर गया और बैलेंस से यहाँ से कन्वीनियंट से बाहर हुआ, इस तरह से इसका वर्किंग होता है ना। स्टॉप, ये हमारा बेसिकली एयर वाल है और ये हमारी प्लंजर असेंबली है। जब प्लंजर असेंबली हमारी आगे पीछे होती है ऐसे ऐसे घूमती है तो इसके थ्रू जो कनेक्टिंग रॉड है जो इसमें ऐसे लगी होती है इस तरह से रहती है ये देखो इस तरह से इस तरह से ये मतलब इसके अंदर ये रहती है इस तरह से मैं एक बार और लगा देता हूँ, इस तरह से रहती है यूनिट और ऐसे ही कनेक्ट रहती है यूनिट। इसको जब ये आगे पीछे ऐसे घूमता है तो देखो यूनिट आगे पीछे ऐसे घूम रहा है, देखो ऑपरेट हो रही है, तो ये हमारी ऐसे ऐसे ऑपरेट होती है। जब ऐसे ऐसे ऑपरेट होती है क्या होता है, ये पिस्टन पर लग के ऐसे ऐसे घूमती है आगे पीछे, तो ये ऑपरेट होता है। अब एडीसी यूनिट है, इसमें क्या क्या रहता है इसको हम बोल के एक बार बता दें, ये प्रेशर एडीसी यूनिट है, इसमें क्या क्या रहता है, इसमें एक हमारे ये शीट रहती है, एक स्प्रिंग रहती है और एक हमारा डायफ्राम रहता है। ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है, ये हमारा डायफ्राम रहता है, ये हमारा डायफ्राम इस पर रहता है और ये इस पर वर्क करता है, जिसके थ्रू यहाँ से एयर जो हमारा यहाँ से एयर आती है वो हमारी रेगुलेटेड एयर आती है, ठीक है, हमारा ये रेगुलेट करता है एयर को, यहाँ ये यूनिट लगी रहती है ना, और रेगुलेट एयर यहाँ आती है और वो इस प्लंजर में जाता है, ठीक है। तो इसकी असेंबली कैसे होगी, असेंबली इस तरह से होगी, देखो ये इस तरह से लगा दिया, ये प्लेट शीट है, ये इस पे हमारा इस तरह से लगती है और इसके ऊपर हमारी ये स्प्रिंग, फिर ये छोटा सा बैक रिटेनर है, उसके बाद ये हमारा असेंबली है, इसके ऊपर हमारा ऐसे हम इसको असेंबल करते हैं।
मतलब असेंबली कैसे होगी इसकी, ये ऐसे किया, फिर हम प्लंजर असेंबली ली, ठीक है, प्लंजर असेंबली ली, प्लंजर असेंबली को इसमें ये नीचे का प्लंजर फिट किया, फिट करने के बाद हम इसको ऐसे किया, कनेक्टिंग रॉड है, पहले हम इसको डाल लेंगे इसमें, डालने के बाद हम कनेक्टिंग रॉड लेकर के आएंगे और कनेक्टिंग रॉड को यहाँ से हम इसको टाइट करेंगे, ठीक है, और इससे इधर हमें पकड़ना पड़ेगा इसको, इसके बाद इसमें हम प्लंजर असेंबली लगाते हैं, प्लंजर असेंबली का ये सेंटर में रहना चाहिए, ठीक है, जब हम इसको लगा रहे हैं, ठीक है, सेंटर में रहना चाहिए, अब ऐसे करके हम इसको मैच करके इसको हम लगा देते हैं, ये हमारा इस तरह से प्लंजर असेंबली लगेगी, ये हमारी प्लंजर असेंबली लगी इसमें, फिर ये चार स्क्रू हैं इसके, ये हम टाइट करेंगे किनारे के चार स्क्रू, ये हमारी ईयर मोटर असेंबली है जिसका एक प्लंजर पार्ट है, है? ये प्लंजर कहलाता है, इसको अपन ने इसको धीरे धीरे हम टाइट करेंगे, है ना, उसके बाद ये हम यहाँ लगा के इसको भी टाइट करेंगे, प्लंजर असेंबली फिट, प्लंजर असेंबली फिट करने के बाद इसे अपन ने इसको ये हमने लगाया यहाँ पे, तो यार इसको अब लगाएंगे नहीं, ठीक है, ये लगा दिया हमने इसके लग, हमने इसमें फिट कर दिया, चूँकि प्लंजर असेंबली इसमें चलती है, ये हमारा कोरिंग स्प्रिंग है, स्प्रिंग लगा के हमने वॉशर लगा के और इसको हमने ऐसे टाइट कर, इसका कैप एज इट इज लगा देते हैं इसमें, इसको हम और टाइट कर दें, ठीक है, इसको हमने टाइट कर दिया, टाइट करने के बाद हम इस पे इसके ऊपर, हाँ ये लगे, ये हम इसकी प्रेशर रेड्यूसिंग यूनिट है, इसको हम फिर टाइट करते हैं इसमें, रेड्यूसिंग यूनिट इस पे टाइट, चला
ये टाइट करने के बाद ये हमारी, ये हमारा टॉप है, जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है जो कि पिस्टन को ऑपरेट करती है, उसके लिए हम इसको हम टाइट कर देते हैं यहाँ पे। टाइट करने के बाद अब हम पूरी असेंबली करेंगे इसकी। नहीं सर, ये पहले इसमें अपन इसको पहले पिस्टन की इनर असेंबली को हम चढ़ाएंगे। इसको ऐसे चढ़ाने के बाद हल्का हल्का हम माइलेट ठोकेंगे। ऐसे ठोकने के बाद हम इसको ओरिंग तक चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद ये हम इस असेंबली को हम इसके ऊपर ऐसे चढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम यहाँ टाइट कर देंगे। ये हमारी पिस्टन असेंबली रेडी। अब इसके बाद हम इस पर हम कनेक्टिंग रॉड जो है इसको हम पहले इसमें टाइट करेंगे। कनेक्टिंग रॉड में हम टाइट करेंगे, इसलिए हम इसको ऐसे लाएंगे शाफ्ट के ऊपर और यहाँ लाने के बाद इसमें कन्वे असेंबली से निकालेंगे। निकालने के बाद हम यहाँ पर ला करके इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद फिर हम डॉल पिन, इसमें हम ये जो होल है इसमें डॉल पिन डालेंगे। ये जो होल है इसमें हम डॉल पिन डालेंगे और इसको लॉक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसकी जो कन्वे असेंबली है उसको हम लेकर के आएंगे और इसके ऊपर से ऐसे ला करके हम कन्वे असेंबली को ऐसे लगाएंगे और यहाँ से हम इसका आउटर हाउसिंग जो है उसके डाल के हम इसको टाइट करेंगे। इसकी जो रॉड है, जो हमारी ग्रीस पिस्टन रॉड है, उसको हम इसमें फिट करेंगे, ठीक है। फिट करने के बाद इसको भी हम टाइट करेंगे। फिर इसको हम यहाँ से इसकी हम फर्स्ट जो पिस्टन असेंबली है उसको लगाएंगे, ठीक है। इसके बीच में हम कॉपर वॉशर रहेगा, उसको हम लगाएंगे कॉपर वॉशर। अपन इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद ये हमारा रेडिनर है। रेडिनर है, इसको अपन लगाएंगे बोरिंग। इसमें इससे पहले हम कॉपर वॉशर इसको लगाएंगे। अपन कॉपर वॉशर लगा रहे हैं, उसके बाद फिर रेडिनर लगाने के बाद फिर हम इसकी, ये हमारी पूरी पिस्टन हाउसिंग है ग्रीस, तो अपन इसको ऐसे लगाएंगे। सुनो, हम इसको इस पर हम इसका एंड प्लेट है ये, इसकी एंड प्लेट को अपन इसको टाइट करेंगे। तो हम लगा के फिर हम उसका लॉक नट लगाएंगे। लॉक नट लगाने के बाद ये हमारा फिल्टर, ये फिल्टर हाउसिंग है फिल्टर,
इसको अपन लगा के इसको ऐसे हम लगा, ना हो गया इसको हम पूरा कंप्लीट असेंबली हो गया, ये हमारी पूरी कंप्लीट असेंबली हो गई इस पंप की फिल्टर के साथ। यहाँ से देखो ये पार्ट अपना है, ये पार्ट है अपना इसका प्रेशर रिड्यूसिंग यूनिट, इसके अंदर प्लंजर, ये हमारा एंडिंग यूनिट, ये ग्रीसिंग यूनिट, ये हमारा पिस्टन पंप पिस्टन, ये हमारा कन्वे यूनिट, ये ग्रीस पिस्टन, और इसके अंदर ग्रीस पिस्टन के अंदर हमारा ग्रीस पंप है, और ये हमारा फिल्टर है, यहाँ हमारा ग्रीस पिस्टन रहता है, ठीक है, ये इसका रहता है। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा किस तरह ग्रीस पंप रिपेयर हुआ और किस तरह हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।